हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। आई एम सुमित त्यागी, फैकल्टी एट चहल एकेडमी। हमने देखा लास्ट लेक्चर में कि हमने एटीट्यूड के कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। अगर अभी आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे वापस जाकर देखिए। अब हम उससे नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी टॉपिक। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने हैं वो है फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड, एंड अगर बिहेवियर और एटीट्यूड मैच नहीं कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं और उसका क्या कारण है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास, दैट इज फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। फंक्शंस का मतलब क्या है कि एटीट्यूड आपकी लाइफ में किस तरीके से आपको इंपैक्ट कर रहा है। या तो ये हेल्प करेगा आपकी ईगो या सेल्फ इमेज को बचाने के लिए, या फिर एटीट्यूड हेल्प करेगा आपको खुद को एक्सप्रेस करने में। जो आप वर्बली नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन आपके कपड़े, आपका बिहेवियर जिस तरीके से डिफाइन करेगा उस चीज को, वो क्या है, एटीट्यूड का फंक्शन है। तो जब हम फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो है एडजस्टमेंट फंक्शन। एडजस्टमेंट फंक्शन का मतलब क्या है, इसे हम यूटिलिटेरियन कांसेप्ट भी बोलते हैं, यूटिलिटेरियन फंक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एटीट्यूड, आपका माइंड आपको उसकी तरफ डायरेक्ट करेगा जो चीज आपके लिए फायदेमंद है, जो चीज आपको रिवॉर्ड कर रही है, और ऐसी चीज से दूर ले जाएगा जो चीज आपको पनिश करेगी या आपके लिए अच्छी नहीं है। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, मैक्सिमाइजिंग रिवॉर्ड्स एंड मिनिमाइजिंग पनिशमेंट्स। ऐसा हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर भी देखा था। जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे, हम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की ही बात कर रहे थे। इंसान ऐसी चीज की तरफ जाता है जो उसे, जहां उसे रिवॉर्ड मिले, और ऐसी चीज से दूर भागता है जहां उसे पनिशमेंट मिले, राइट? तो ऐसे ही जो हमारा एडजस्टमेंट फंक्शन है ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पे ही चल रहा है। इसमें क्या है, यूटिलिटेरियन फंक्शन, मैक्सिमाइजिंग रिवॉर्ड्स एंड मिनिमाइजिंग पनिशमेंट्स। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है ईगो डिफेंसिव फंक्शन। ईगो डिफेंसिव फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या करता है, आपकी ईगो या सेल्फ इमेज को बचाने की कोशिश करता है कि अगर आपसे कुछ गलती भी हो गई तो आप उसे कैसे करेंगे, उसको दबाने की कोशिश करेंगे, उसे डिनाई करेंगे, किसी और के ऊपर ब्लेम करेंगे, या फिर उसे किसी लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारे पास ईगो डिफेंसिंग फंक्शन में है वो सबसे पहला है हमारे पास उसका, कौन किस किस तरीके से हम ईगो को डिफेंसिव मैकेनिज्म में आ सकते हैं, वो है हमारे पास सबसे पहला डिनायल। डिनायल के अंदर क्या है, कोई ऐसी चीज जो आपको पता है कि आपके अंदर है लेकिन आप कॉन्शियसली उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, नो मैटर उसके कितने हार्ट ब्रेकिंग एविडेंसेस प्रेजेंट हो, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप किसमें चले जाएंगे, डिनायल मोड में चले जाएंगे, राइट? जैसे कोई बंदा है जो होमोसेक्सुअल है लेकिन सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता इन दी अमंग दी पीपल, तो क्या करेगा, उसे पता है कि उसके कैरेक्टर कैसा है, कि वो क्या चाहता है अपनी जिंदगी में, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो डिनायबिलिटी मोड में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ इमेज या उसका ईगो हर्ट ना हो जाए, इसको हम क्या बोल रहे हैं, डिनायल। और जो ऐसे लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डिनायलिटी बोलते हैं इस पर्टिकुलर चीज को, जो जिसे हम चाइल्ड अब्यूज बोलते हैं, वो उसे रिमाइंड नहीं करना चाहता, वो उसके लिए क्या है, एक बैड मेमोरी है, तो क्या करेगा, उसकी जगह उस बात को सोचने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसे कहीं रिप्रेस कर लेगा अपने अनकॉन्शियस माइंड में, और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो उसको लाइफ में रिवॉर्ड दे रही हैं, जो हैप्पीनेस दे रही हैं, उनको फोरफ्रंट पे रखेगा हमेशा, उसे क्या करने की कोशिश करेगा, उसे रिप्रेस करने की कोशिश करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेशन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपके पास चाइल्ड अब्यूज है, इसका एग्जाम्पल आपके पास होमोसेक्सुअलिटी है, राइट? जो थर्ड है हमारे पास ईगो डिफेंसिव फंक्शन में, दैट इज प्रोजेक्शन। अब आपको पता है कि आपसे कुछ गलत हो गया है, मतलब आपको आपकी क्वालिटी के बारे में पता है, अनकॉन्शियस क्वालिटीज हैं आपकी, अनकॉन्शियस एक्ट्स हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं और बल्कि उसको प्रोजेक्ट करते हैं किसी और की गलती पे। जैसे आज की डेट में क्या है, इंटॉलरेंस हो रहा है इतना, तो जो इंसान ज्यादा इंटॉलरेंट होगा उसे सामने वाला भी उतना ही ज्यादा इंटॉलरेंट लगेगा, राइट? बोलते हैं ना, जैसे आसान भाषा में बोलते हैं कि आदमी जैसा होता है सामने वाली दुनिया भी उसे वैसी ही दिखती है, तो एग्जैक्टली वो प्रोजेक्शन का काम है। इसे हम, इसमें हमारा क्या आता है, ये ब्लेम शिफ्टिंग कंसेप्ट है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम ब्लेम शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, अगर कोई इंटॉलरेंट है तो वो टॉलरेंट बन के दिखाएगा और सामने वाले को क्या समझेगा कि ये इंटॉलरेंट है, आई एम परफेक्टली फाइन। तो ये क्या है हमारे पास, प्रोजेक्शन है ईगो डिफेंसिव फंक्शन का। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है हमारे पास रेशनलाइजेशन। अब लाइफ में हम कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं या कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं जो कि फ्लो के साथ नहीं जाता है, जो हमें पता है कि हमसे गलत हो गया है, मतलब कोई भी चीज ऐसी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम रेशनलाइज करना शुरू कर देंगे जो हमसे हुआ है, हम गलती एक्सेप्ट करने की जगह, क्योंकि उससे हमारी सेल्फ इमेज को हर्ट हो रही है या ईगो हर्ट हो रहा है, तो उसमें उसको एक्सेप्ट करने की जगह हम क्या करना शुरू कर देते हैं, उसको रेशनलाइज करना शुरू कर देते हैं कि हम उसका क्या है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देंगे कि नहीं यार, ये किया मैंने ठीक था लेकिन तुमको गलत लग रहा है, इसका ये लॉजिक है। जैसे अगर आपने किसी इंटरव्यू दिया, आपने किसी इंटरव्यू में जाके बैठे और आपका खुदा ना खास्ता, जैसे आपने यूपीएससी दिया, यूपीएससी में आपके बैठा, आपका अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, तो खुदा ना खास्ता, ऐसा ना हो फॉर श्योर, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसमें क्या कहें, रेशनलाइज करना शुरू कर देंगे उस चीज को, कि मेरे पास टाइम तो था, मेरे पास दिक्कत आ गई, मेरे फ्रेंड की शादी थी, मेरी शादी थी, घर पे इशू हो गया था। बट जबकि आपको अंदर से पता होता है, इंसान को खुद तो पता ही होता है क्या रीजन है, लेकिन सामने वाले को
पागल बनाने के लिए या अपने लॉजिक को रेशनलाइज करने के लिए वो क्या करते हैं, उसे एक लॉजिकल रीजनिंग देना शुरू कर देते हैं। इसका नुकसान क्या होता है, जैसा कि यहां लिखा है, ये इरेशनल बिहेवियर को एनकरेज करता है। बाकी मैक्सिमम चीजें आपको लिखी दे रही हैं, कंट्रोवर्शियल डिसीजंस को एक्सप्लेन किया जाता है रेशनल या लॉजिकल तरीके से। ये हमारे पास थे दो फंक्शंस। अब नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारे पास वो है वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन का क्या मतलब होता है, हर चीज आप वर्बली एक्सप्रेस नहीं कर सकते खुद को, राइट? तो हम कुछ ऐसी टेंजिबल फॉर्म ढूंढते हैं जिससे हम अपने एटीट्यूड को शो कर सकें, जो सेंट्रली वैल्यूज हमारी, जो सेंट्रल वैल्यूज हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकें। जैसे अगर कोई इंसान थोड़ा इंट्रोवर्ट है या फिर ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है तो वो क्या अपनाएगा? अगर कोई इंट्रोवर्ट इंसान है तो अपने कपड़े डार्क कलर्ड पहनेगा या फिर जैसे रेदर देन ब्राइट कलर्स, तो ये अपने कुछ कुछ हरकतें ऐसी करेगा जिससे उसे पता चले, जो उसका एटीट्यूड जो है उसके बिहेवियर से मैच करे। कि अगर वो इंट्रोवर्ट है तो उसका बिहेवियर भी ऐसा ही है जैसे इंट्रोवर्ट का, जैसे चॉइस ऑफ द कलर ऑफ द क्लोथ्स, चॉइस ऑफ द क्लोथ्स, ज्यादा मॉडर्न कपड़े नहीं पहनेगा, वो फॉर्मल्स में रहना ज्यादा पसंद करेगा या फिर ब्राइट कलर्ड कपड़े नहीं पहनेगा। वो किससे है, वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। एटीट्यूड जो है आपकी वैल्यूज को एक्सप्रेस करता है थ्रू व्हाट, थ्रू वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन। जैसे मैंने लिखा है यहाँ, ट्रांसलेट द वैल्यूज थ्रू समथिंग मोर टेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल एंड टेंजिबल आप जानते ही हो, इनटेंजिबल। टेंजिबल इज समथिंग जिसे आप टच करके एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब पता चलता है सामने वाले को। इनटेंजिबल जो एग्जिस्ट करता है लेकिन उसे आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, आप उसे छू नहीं सकते, राइट? तो वो क्या है, अपने वैल्यूज जो है उसे ट्रांसलेट कर देता है इनटू समथिंग मोर टेंजिबल, जैसे कि क्लोथ्स। तो ये क्या है, ये उसका एटीट्यूड जो है वो उसकी वैल्यू को एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज फंक्शन। अब वर्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, है ना, आप हर किसी चीज को अलग अलग नजरिए से नहीं देख सकते। मैं ये नहीं देख सकता कि ये दरवाजा या कोई और दरवाजा, या फिर आपके पास कोई डोर है, या फिर मेरी शक्ल आप मुझे देख रहे हो, या पेपर कुछ भी पड़ा है, अगर आप उसे देख रहे हो तो आप हर किसी को अलग तरीके से जज नहीं कर सकते, राइट? तो हम एक क्या करते हैं, आप एक प्री डिसाइडेड नॉलेज रखते हैं अपने दिमाग में कि किसी चीज के बारे में हमारी क्या राय है, है ना। इससे क्या आसानी हो जाती है कि दुनिया को देखने में और चीजों को समझने में आसानी हो जाती है हमारे लिए। हमें हर सिचुएशन को या हर किसी ऑब्जेक्ट को एक स्पेसिफिक तरीके से नहीं देखना पड़ता। इसकी दिक्कत क्या है, वैसे तो ये फायदेमंद है, आपके लिए जिंदगी आसान कर रहा है, लेकिन इसकी दिक्कत यह है कि आप क्या है, उस पर्टिकुलर चीज की यूनिकनेस को इग्नोर कर दे रहे हैं। काम कर रहा है लेकिन कुछ कुछ दिक्कतें भी हैं। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। अब आई होप आई एम क्लियर विद दिस। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। एटीट्यूड को अगर हमें डिफाइन करेगा, एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें दिखता है कि ये इननेट नहीं होते। इननेट मतलब कि आप जब पैदा होते हो तो आपका एटीट्यूड साथ में नहीं आता है, ये क्या है, रिजल्ट ऑफ लर्निंग। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका शायद मेरे बारे में अभी कोई एटीट्यूड नहीं होगा, लेकिन जब आप क्लास देखेंगे एक दो मेरे से, मेरे बारे में थोड़ा और जानेंगे, तो आपका एक एटीट्यूड बनेगा मेरे लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। लेकिन वो कैसे बनेगा, जब आपने मेरे बारे में जाना, जब आप यहां के बैठे थे आपके मेरे बारे में कोई एटीट्यूड था नहीं, क्योंकि आप मेरे बारे में जानते नहीं थे, राइट? तो इसमें क्या है, हमारे पास इननेट नहीं है, पैदाइशी नहीं है। आपको जो चीजें आप लर्न करते हैं, जिन चीजों के बारे में आपको पता चलता जाता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, उससे आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। अब क्या है, ना केवल इंडिविजुअल्स का होता है एटीट्यूड, बट ग्रुप्स का भी होता है। सेवरल ग्रुप्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पर चलते हैं, उनका किसी पर्टिकुलर चीज के लिए जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एवरी सिंगल पर्सन ऑफ दैट सोशल ग्रुप, उसका वही एटीट्यूड होगा, और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एटीट्यूड होता ही, हर एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, राइट? तो ये जो एटीट्यूड है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, इंडिविजुअल के लिए ही, ग्रुप के लिए भी होता है, दोनों के लिए। अब कंसिस्टेंसी, अगर आपका एटीट्यूड कंसिस्टेंट नहीं है, आपको नहीं पता है कि आप किस किस तरह से बिहेव करते हो किस चीज के बारे में, लेकिन आपकी पर्टिकुलर नॉलेज किसी चीज के बारे में एक है, तो आप क्या करेंगे, आपका जो बिहेवियर है वो कंसिस्टेंट रहेगा टुवर्ड दैट पर्टिकुलर थिंग। तो एटीट्यूड क्या है, आपको एक प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी पर काम करता है कि आपका रिएक्शन का तरीका किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वो क्या है, कंसिस्टेंट है। आपके साथ सामने अगर बार कोई चीज ऐसी हो रही है जो आपको नहीं पसंद है, तो बार बार आप वहां से भागने की कोशिश करेंगे, या आपका जो एटीट्यूड होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, अनटिल अनलेस कुछ मेजर चेंज ना आ जाए आपकी लाइफ में। अब दूसरा क्या है, कैन बी एक्सप्रेस्ड वर्बली और नॉन वर्बली। जब आप बातें करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो आप क्या कर रहे हैं, वर्बली अपने एटीट्यूड को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपका उस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या सोचना है। दूसरा जो हमने बोला नॉन वर्बली, हमने एक एस्पेक्ट देखा था, एक्शन कंपोनेंट जो था, बिहेवियरल कंपोनेंट जो था, वो क्या है, आपका एक्शन बताता है कि आपकी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या एटीट्यूड है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये और वर्बली। नेक्स्ट इज प्रिंसिपली इंटेंजिबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे हमने वैल्यू एक्सप्रेसिव में देखा कि हमें अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए या वैल्यू एक्सप्रेस करने के लिए कोई टेंजिबल चीज चाहिए थी, लेकिन अगर मैं वो टेंजिबिलिटी को हटा दूं तो मेरे पास क्या बता, एटीट्यूड इज इंटेंजिबल, आप उसे कोई छूके तो नहीं देख सकता, वो आपके अंदर है, वो आप जिस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे उस तरीके से आपका एटीट्यूड डिफाइन होगा, राइट?
जो नेक्स्ट है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। जो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास एटीट्यूड बिहेवियर। मतलब एटीट्यूड और बिहेवियर का क्या कॉम्बिनेशन है, क्या रिलेशन है, वो किस पे डिपेंड करता है। एटीट्यूड बिहेवियर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा आपका किसी पर्टिकुलर एटीट्यूड, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे ड्यूरिंग द डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, वो किस पे डिपेंड करेगा, एटीट्यूड और बिहेवियर के फंक्शन पे। तो जो सबसे पहली चीज होती है इसमें वो होती है एटीट्यूड स्ट्रेंथ। इसमें हम ये बोलते हैं कि जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका एटीट्यूड है उतना ज्यादा स्ट्रांग आपका बिहेवियर होगा। अगर किसी चीज को लेके आप एकदम कंफर्म है कि नहीं ये अच्छी है या बुरी है, तो आपका बिहेवियर उस चीज को दिखा देगा कि आपकी जो स्ट्रेंथ है एटीट्यूड की वो कितनी ज्यादा है। नेक्स्ट है हमारे पास एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि आपको पता है कि कितना आपको कितनी नॉलेज है, राइट। जैसे हम बोल रहे हैं ये मच बेटर है, क्योंकि अगर आपका किसी पर्टिकुलर चीज को लेके स्पेसिफिक एटीट्यूड है, कोई चीज आप जानते हैं कि मुझे इसके बारे में क्या करना है, क्या जानना है, मैं इसके बारे में क्या सोचता हूं। स्ट्रेंथ के अलावा स्पेसिफिसिटी, दो चीज है, कितना स्पेसिफिक है, कितना ज्यादा स्ट्रांग है। तो स्पेसिफिसिटी भी क्या दिखाती है, आपका बिहेवियर दिखाती है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। लेकिन ये सिचुएशनल भी हो सकता है कि हो सकता है आपका स्ट्रांग एटीट्यूड भी थोड़ा आप उसे रिप्रेस करने की कोशिश करें अकॉर्डिंग द सिचुएशन। लेकिन अगर आपका स्पेसिफिक है, ये फंक्शन काम कर रहा है इसमें एटीट्यूड स्पेसिफिसिटी, तो ये ज्यादा बेटर प्रिडिक्टर है किसका, आपके एटीट्यूड का। आपका बिहेवियर ज्यादा आपके एटीट्यूड को कब डिफाइन करेगा, जब वो उसका ज्यादा स्पेसिफिक होगा। नेक्स्ट है रेलेवेंस। आप किसी जगह काम कर रहे हैं, चाहे आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई भी एटीट्यूड हो, लेकिन आप क्या कोशिश करेंगे कि जो रेलेवेंट एटीट्यूड है, जो उस जगह को चाहिए, आप उस तरीके से एक्ट करें। हो सकता है आप इंडिविजुअली उस बारे में कुछ और सोचते हो, लेकिन ड्यूरिंग दी पब्लिक जो आपकी नीड है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाली जो बात थी, तो आप ऐसी चीजें करने की कोशिश करेंगे जो आपको रिवॉर्ड दे, रेदर देन किसी की फीलिंग्स को हर्ट करे या आपको पनिशमेंट के लिए लायबल बनाए। जो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई कितनी चीज आसानी से मिल जा रही है, आपका एटीट्यूड कितना एक्सेसिबल है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपका बिहेवियर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कैसा होगा। क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा कि एटीट्यूड कितना एक्सेसिबल है आपके लिए, आप कितने सेल्फ इन्फॉर्म्ड हैं अपने एटीट्यूड के बारे में, राइट। नेक्स्ट इज सिचुएशनल फैक्टर। सिचुएशनल फैक्टर ही ये बोलता है कि अगर आप किसी अलग अलग सिचुएशंस में होते हो तो आप हमेशा बात एक जैसी नहीं करते। अगर आप किसी के साथ ऐसे हैं, चाहे आप उससे डिसएग्री करते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे कि आप एक बैलेंस्ड व्यू बनाएं, एकदम एक्सट्रीमिस्ट व्यू में ना चले जाएं, जिससे वो क्या है हर्ट ना हो जाए। आप कोशिश करेंगे कि हमारा एक तालमेल बैठा रहे सिचुएशन में, जिसमें मैं बैठा हूं इसे मैं डाइल्यूट ना करूं, जैसी है एकदम से अच्छी बने रहे, हमारे रिलेशन अच्छे बने रहे। क्या सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर चेंज हो जा रहा है। अगर आपका एटीट्यूड उस चीज के बारे में कुछ और भी है, तब भी आप उसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हम देख रहे थे एटीट्यूड बिहेवियर, इसमें एक टर्म होती है कि एटीट्यूड के अगर बिहेवियर हम नहीं कर रहे हैं एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसका मतलब क्या होता है कि जो बिलीफ सिस्टम है आपका किसी पर्टिकुलर, कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या था, बिलीफ सिस्टम था, आप किसी चीज के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस कब काम करता है, कि अगर आपको किसी चीज के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड था, फॉर स्मोकिंग, आपने पहली बार स्मोक करना शुरू किया, अभी आपका नेगेटिव है, लेकिन फिर कंटिन्यूअसली आप क्या है स्मोकर में टर्न्ड हो गए, तो आपका क्या है, आपका जो बिहेवियर एटीट्यूड था किसी पर्टिकुलर चीज के लिए के, आपने एक बार उस चीज के लिए बिहेवियर चेंज किया, फिर क्या हो गया, आप क्या करना शुरू कर देंगे, उसे डिफेंड करना शुरू करेंगे, फिर एटीट्यूड और बिहेवियर क्या है तालमेल में आ जाएंगे, आपका एटीट्यूड भी पॉजिटिव हो जाएगा जो कि पहले नेगेटिव था, और बिहेवियर तो ऑब्वियसली आपका एटीट्यूड को शो कर ही रहा है। तो इस पर्टिकुलर टर्म को जब हमारा बिहेवियर जो है एटीट्यूड से मैच नहीं करता है और बाद में फिर वही हमारा एटीट्यूड बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दी एटीट्यूड फॉर योर एथिक्स जीएस पेपर 4। थैंक यू सो मच, हमारे साथ जुड़े रहें, और किसी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट अस @ चहल अकेडमी दिल्ली। थैंक यू सो मच।